नमस्कार दोस्तों, सफलता सूत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोनों वक्त निश्चित समय पर बिना जोर लगाए पेट पूरी तरह साफ हो जाए तो यह स्वस्थ स्थिति होगी, अन्यथा कब्ज की स्थिति मानी जाएगी। शरीर को स्वस्थ, सुडौल और सबल बनाए रखने के लिए पाचन संस्थान को विकार रहित एवं शक्तिशाली बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। आज के इस वीडियो में कब्ज दूर करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा बताए गए एक निरापद एवं उपयोगी उपाय प्रस्तुत है। महात्मा गांधी कब्ज दूर करने के लिए मिट्टी का उपयोग करते थे। उनके द्वारा बताई गई विधि प्रस्तुत है। साफ मिट्टी लेकर उसमें कंकड़ पत्थर हो तो निकाल लें। इस मिट्टी को पानी से आटे की तरह गूंथ लें। इस गूंथी हुई मिट्टी को एक साफ पतले कपड़े में लपेटकर पुल्टिस बना लें। गांधी जी के अनुसार मिट्टी के पुल्टिस की लंबाई 6 इंच, चौड़ाई 3 इंच एवं मोटाई 1/2 इंच होनी चाहिए। रात में सोते समय इस पुल्टिस को पेड़ों पर बांध लें। सुबह उठकर शौच जाने पर मल विसर्जन भली भांति होगा और पेट साफ हो जाएगा। गांधी जी के इस प्रयोग से कब्ज तो दूर होता ही है, साथ ही शरीर के पाचन तंत्र एवं मल निष्कासक प्रणाली को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती।